नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल, वणक्कम, प्रणाम, सलाम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, लीजिए, आ गया हूँ आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में। दिन विशेष विथ एनजीसी इस यूट्यूब चैनल पर आपका दोस्त सी नारायण लेकर आया हूँ आज के यानी 13 मार्च के दिन विशेष, जिसमें जन्मदिन, स्मृति दिन, ऐतिहासिक घटनाएं और आज का विचार और आज का सवाल, और जिसका जवाब मिलेगा अंत में। तो इस वीडियो के अंत में जवाब मिलेगा। तो ये सभी ज्ञान से भरा, मनोरंजन से भरा हुआ एक पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विथ एनजीसी ये यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन नम्र है, और ये नम्र निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आज के वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का सुविचार। सबसे पहले तो आज का सुविचार यह है, जीवन में अगर एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि बार बार मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। जी हाँ बहन भाइयों, फिर एक बार, ये आज का बहुत ही बढ़िया सुविचार। जीवन में अगर एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि बार बार मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। तो चलिए भाई, ये आज का सुविचार जो हमारे ज़िंदगी को प्रेरणादायक और सकारात्मकता लाता है, सही दिशा दिखाता है। और अब आज का सवाल, आज का सवाल एक वैज्ञानिक सवाल है, हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देती। फिर एक बार ये सवाल, जी हाँ बहुत ही बढ़िया सवाल है, हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देती। तो चलिए भाई, ये सवाल और इस सवाल का जवाब अब सोचिएगा, और अगर ना आए तो वीडियो के अंत में आपको इस सवाल का जवाब मैं खुद दे दूंगा। तो चलिए भाई, ज़्यादा विचार ना करें और अब चलते हैं आज के दिन विशेष की ओर। तो आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज के दिन विशेष की ओर। आज के दिन की विशेषता यह है कि आज थाईलैंड में राष्ट्रीय हाथी दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय हाथी दिन, और आज विश्व धूम्रपान निषेध दिन भी है, और आज विश्व रोट्रैक्ट दिन भी है। तो चलिए भाई, अब आज के दिन विशेष जो है 13 मार्च के, तो 13 मार्च के सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1781 में विलियम हर्शल ने यूरेनस ग्रह की खोज की। 1897 में सैन डिएगो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1910 में पेरिस से लंदन आते ही स्वतंत्र वीर सावरकर इन्हें कैद किया गया। 1930 में क्लाइड डब्ल्यू तोम्बोग इन्होंने प्लूटो ग्रह की खोज करने का समाचार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वेधशाला में दिया। 1940 में अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड का समर्थन करने वाले पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर, इनकी हत्या उधम सिंह इन्होंने की। 1997 में मदर तेरेसा को इनके वारिस के रूप में, वारिसदार के रूप में सिस्टर निर्मला को चुना गया। 2003 में मुंबई शहर में लोकल में बॉम्ब विस्फोट हुए। 2007 में वेस्टइंडीज में नवे विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। 1996 में कोलकाता के ईडन गार्डन में विश्व कप क्रिकेट का फाइनल खेला गया, और ये फाइनल श्रीलंका ने भारत को हराया। 1639 में हार्वर्ड कॉलेज का नाम बदलकर पादरी जॉन हार्वर्ड ये रखा गया।
1921 में मंगोलिया को एक स्वतंत्र राजशाही घोषित किया। 1969 में अपोलो 9 ये चंद्रमा से पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौटा। 2013 में कैथोलिक चर्च के 266वें पोप सम्मेलन में पोप फ्रांसिस चुने गए। 2008 में सेक्स स्कैंडल में फंसे न्यूयॉर्क के गवर्नर एलिमत स्पिक्चर, इनका नाम था एलिमत स्पिक्चर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 2009 में सार्क साहित्य उत्सव आगरा में हुआ। तो ये हुए भाई आज के जन्म, माफ कीजिएगा, ऐतिहासिक घटनाएं। अब देखते हैं आज के यानी 13 मार्च के जन्मदिन। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक नेता बरगुला रामकृष्ण राव, 1899। युवा राजनेता और संजय गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी, 1980। इंग्लिश रसायन शास्त्रज्ञ जोसेफ प्रिस्टले, 1733 में इनका जन्म हुआ। प्राच्य विद्या संशोधक महामहोपाध्याय डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिराशे, 1896। मराठी लेखक रविंद्र पिंगे, 1926। 49वें युको झुना जापानी सुमो सुचिनोमी तेरुयोशी, 1938। म्यूजिशियन टी रंगनाथन, टी फॉर टेबल, टी रंगनाथन, 1925। पॉलिटिशियन अजय सिंह चौटाला, 1961। अभिनेत्री गीता बसरा, 1984। मराठी और हिंदी गायिका तथा लावणी गायिका कलाकार, महाराष्ट्र की महान लावणी सम्राज्ञी सुलोचना कदम तथा इनका दूसरा नाम था सुलोचना चौहान, 1933 में यानी 1933 में इनका जन्म हुआ था। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब 13 मार्च के स्मृति दिन देखते हैं। पेशवा दरबार के एक मंत्री नाना साहेब फडणवीस, 1800-1800, दत्तात्रेय कोंडू घाटे तथा कवि दत्त, 1899। अमेरिका के 33वें राष्ट्राध्यक्ष बेंजामिन हेरिसन, 1901। नेपाल के राजा वीर विक्रम शाह त्रिभुवन, 1955। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी सर फंक वॉरेल, 1967। गणित शास्त्री मोहिनी राज लक्ष्मण चंद्रात्रेय, 1969। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष के नेता तथा सीटू इस मजदूर संघ के नेता श्रीपाद यशवंत कोलटकर, 1994। अभिनेता शफी इनामदार, 1996। राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी और संगठक शीला ईरानी, 1997। सतार वादक उस्ताद विलायत खान, 2004। चिकन नुग्गेत के निर्माता रॉबर्ट सी बेकर, 2006। निर्माता दिग्दर्शक पटकथा लेखक मोहम्मद नासिर हुसैन खान, 2002। और रशिया के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय, 1881। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं। और भाई अब आज के सवाल का जवाब, जी हाँ बहनों भाइयों, तो आज का सवाल था, हवा हमें क्यों नहीं दिखाई देती है। तो हवा हमें क्यों दिखाई नहीं देती, इसका कारण यह है कि हवा में मूल रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पारदर्शी गैस है, इसीलिए और जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो प्रतिबिंबित नहीं होती हैं, ये प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित नहीं होती और इसके कारण हमें हवाएं दिखाई नहीं देती। तो चलिए भाई
आज के इस सवाल का जवाब भी दे दिया हूँ और अब आज का दिन विशेष खत्म करते हैं इसी के साथ ही। लेकिन इस चैनल को दिन विशेष विथ एनजीसी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ मैं चलता हूँ, अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए बहनों भाइयों, सी नारायण को दीजिए आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, अलविदा।